ऐसा कोई दास हो
पानी में खे जो तरनी तो क्या
सीरा तत्ता
मन तू मत मान करे जे हों किछ जानदा गुरुमुख निमाना हो मत होंदी होए निमाना तान होंदे होए निताना अनहोंदा आप बनाए को ऐसा भगत सदाए ताहे मिले भगवान ऐसा भगत सदाए ऐसा कोई दास हो गुरुमुख निमाना हो अंतर अज्ञान हों बुद्ध है अंतर अज्ञान हों बुद्ध है सच शब्द मालिको हो निमाना सतगुर अगे मत किछ आप लखावे ए साबित करन दी कोशिश ना करी कि मैं भी हां की हां ए तो इस तो अगली गल है मनुख तो बहुत कुछ बनदा है ना मैं आ पर गुरु कहंदे ने ओ तो इस तो अगली गल है ना तू की है शुरुआत तो इत्थों है भी तू है गुरु ने कह दिता हो निमाना सतगुर आगे मत किछ आप लखावे मत किते इन्ना ही साबित करन दी कोशिश करें कि मैं हां मत किछ आप लखावे देख कहन लगी अपने अंकार जगत जलिया अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवा मत किछ आप लखावे जिसके अंतर राज अभिमान जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जन मैं जो बनवंत सोवत बिष्टा का जन आपस को कर्मवंत कहा जन्म मरे जौन भरमा धन भूम का जो करे गुमान मन तू मत मान करे
भूमिका धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख मन तू मत मान करे पेंडा ते पेंडा भी ओ जिंदे वख वख पिड़ा ने सौखा नहीं ए पेंडा कोई सौखा नहीं गुरु ने बाणी विच इसे लिए एक गल आख दित्ती कि ए मार्ग कोई आसान नहीं औखा है पर है गुरु जेड़ा इन्दे एक एक पड़ा ते खलो के अगले पड़ा लई मनुख नू हिम्मत दे रहे है हुण बाबा कबीर जी दे अगे असीं हमेशा दो श्लोकां दा कीर्तन करीदा है इस वार चार श्लोकां दा इकट्ठा हो रहा है क्योंकि इको ही पेंडे दे वख वख पिड़ा ने इस बार चार श्लोक इकट्ठे आए ने जिन्हां दा सब्जेक्ट इको है इको ही मंजर है इको ही सवाल है आपां गुरबाणी विच एक बड़ा प्रचलित शब्द पढ़ने हां जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैडीट मैं ज्यों ज्यों गुरु सुनिया सी ओ जे ही वेख्या है जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैडीट मैं देखिया भी ओ जे है ते सुनिया की सी देखिया कि कहन लगे ओ है विछड़िया मेले प्रभु प्रभु तो विछड़िया होया नू मोड़ प्रभु नाल मेल दिंदा है ते उन्दे लई आप बसीठ बनदा है वकील बनदा है जुम्मेवार बनदा है अगुवाई करता है राबर बनता है उस पंथ विच किते रोक ना जाए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए इसनू मत किते अपनी मंजिल तक पहुंच ही ना सके ते मंजिल भी वो जित्थों आया है जिंदे तो विछड़े है जिंद तो विछड़िया उसे प्रभु नू मिलदा है हुण देखना है भी इस पेंडे विच केड़ियां केड़ियां औकड़ां केड़े केड़े पिड़ा ने ते गुरु किस तरह अगले पंध लई एक पिड़ा तो दूजे पिड़ा तक पहुंचण लई चेतनता दिंदा है श्लोक बाबा कबीर जी दा है गुरु ने प्रवान किया है इस सारे सब्जेक्ट ताई ते श्री गुरु ग्रंथ साहब इतना देते हैं हुण सतगुरु दे विचारां दा ते बाबा कबीर जी दे विचारां दा कोई अंतर नहीं रहा जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब विच थां आ गई प्रवानता हो गई हुण इन्हां चार श्लोकां नूं जरा असीं देखिए पंध नूं सुखाला किवें कीता ने कबीर रोड़ा होए रो भाटका
आज मन का अभिमान, क्योंकि एक लफज है जेड़ा रब तो प्रभु तो विछोड़ रहा है, उन्हों दरम्यान विच्चों कढ़ना है। गुरु ने बाणी विच आख दिता, कहन लगी हो भीत भयो है बीचो, रब नेड़े है, नेड़े हुंदिया होया विछड़ गया है, ते विछड़िया क्यों है, क्योंकि मेरे ते उन्दे दरम्यान विच एक दीवार खड़ी हो गई है अभिमान दी। बहुत देर हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का एक शब्द वारां ते वधीक विच सांझा होया सी, जिंदे ए लफज सन कि पब्बर तू हरियावला हे तालाब, तेरे विच बड़ी खूबसूरती सी, लफ़ज़ां दे कोई मुसाफर सफर कर रहा सी, थक गया, कोई थां टिकाना चाहता सी जिथे मिल बैठ के कुछ देर रेस्ट कर लवां, ताज़ा दम हो जावां, उन्हों एक तालाब खूबसूरत दिसिया, उत्थे आके बैठ गया, बड़ा दिल लगा, मछलियां तैर रही सन, किनारे बैठे बोल रहे सन, चार चुफेरे हरा हरा घास सी, फुल बूटे सन, दिल लगना ही सी, थकावट उतर गई, चला गया कुछ देर बैठ के, पर उस तालाब ने अंदर कोई थां बना ली खूबसूरती ने, ते कुछ समय बाद जदों वापस फिर उस पासों परतिया ते मन अंदर सोचिया उस तालाब ते फिर बैठा, उत्थे आया हैरान हो गया, देखिया तालाब सुक्का पिया, हुण ओ हरियावल कोई नहीं, खूबसूरती कोई नहीं, कवल नहीं खिड़े हुए, जीव पानी भी जड़े सनो मर गए ने, उन्हां दियां मरियां होईआं दी बदबू आ रही, थले वाली धरती उस तालाब की काली पै गई, ये तो तुसी असी सारे जानते हैं जिथे पानी खड़ा रहे ना, उस तो बाद जो पानी सुकद थले वाली धरती मिट्टी काली हो जाती, उसकी बदसूरती नू वेख के मुसाफर सवाल करता है, ते ओ पब्बर तालाब जवाब दिंदा है, उस सवाल जवाब नू श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच एग्जाम्पल वजो सामने रखे है, जिक्र किया है। गुरु कहिंदे ने पब्बर तू हरियावला कवला कंचन बन, हे तालाब तू बड़ा खूबसूरत से हरा भरा है, तेरे विच सोने वर्गे रंगा दे कवल खिड़े हुए सन, कहन लगे कित दोखड़े सड़े हुए के गुना तू कीता है, सड़ गया है, जल गया है, काली हुई या देवरी, तेरी मिट्टी भी काली हो गई है, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन कित दोखड़े सड़े हुए, किवें सड़ गया काली होई आ देहुरी, ते हुण पब्बर जवाब दिंदा है, कहिंदा नानक मैं तन भंग, मैनू पता लग्गा मैं जान गया कि मेरा ये तन दी मेरे शरीर दी मेरे वजूद दी ये हालत क्यों होई, नानक मैं तन भंग जाना मैं समझ गया पता लग गया, की पता लगा कि पानी ना लहां जैसे ती मेरा संग, इत्थे नेड़े दरिया वगदा सी
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਸੀ। ਪਰ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਤ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਬੜਾ ਟਿੱਬਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸੰਬੰਧ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਿੱਬਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਹੌਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਤਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਜਿਉਂ ਮੀਆਂ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਟਿੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਟਿਕਦੀ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਨਿਵਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਦੋ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕਠਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਅਭਿਮਾਨ ਕੱਢ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋ ਰਹੋ ਬਾਟਿਕਾ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਠੇਡਾ ਮਾਰੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਠੇਡਾ ਮਾਰੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਠੇਡਾ ਵੱਜੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਠੇਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਟਕਾ, ਬਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ, ਵਾਟ, ਵਾਟ ਤੋਂ ਲਪਤ ਬਾਟ ਬਣਿਆ। ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਡਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾ ਲਿਆ,
एक है ठेडा वजन तो बाद अंदर कोई अनख जाग पई मैं दे कोलों बदला लेना है ठेडा तो खा लिया क्योंकि ठेडा खाना अपनी थावे है ठेडे का बदला लेना भी एक अहंकार है बदले की भावना हिरदे च पैदा होनी इनका मतलब तेन नहीं मरता तू बदले की भावना रखी है मन अंदर यह भी एक अहंकार मैं इनके को बदला ला सकना गुरबाणी अंदर एक लाइन है गुरु कहते ने हों बंदो हों साधो बैर मैं किसी नाल वैर बन भी सकना तो जे कोई मेरे नाल वैर करे तो मैं उन्हूं साध भी सकना भाव उनके को बदला लै भी सकना हो बंधो हो सौदो बैर अमरी भूम कौन गाले पैर इतने बाबा कबीर कहते ने रोड़ा तो हो रहा अभिमान छड़ के तेन को ठेडे मारे खाए पर वेखी किते उन्हां ठेडियां दा गुस्सा करके बदला लैण दी कोशिश ना करें क्योंकि मन अंदर जे ठेडे खाण दा सवाल है तो वह रोड़ा जिहड़ा है किसे नूं दा ठेडा बन के उन्हूं डेग भी सकता है जे कोई रोड़े नूं ठेडा मारदा है तो जिहड़ा रोड़े नूं ठेडा खा के डिगदा है वह भी तो मुसाफर है तू तो बदला लै लिया इन्हें मैनू ठेडा मारिया सी मैं इन्दे कदम नू इन्दे पैर नू जख्मी कर दिया ये डिग पवे अगला सफर ना कर ते फिर बदले दी भावना हो गई कहन लगे कबीर रोड़ा होए रहो बाट का पहला ख्याल तज मन का अभिमान ऐसा कोई दास होए तै मिले भगवान कोई दास ऐसा होवे जेड़ा ठेडियां नू बर्दाश्त करे परेशान ना होवे पर कहन लगे जेड़ा ठेडियां नू ठेडे खान तो बाद ठेडे मारन वाले कोलों बदला लैण दी भावना नाल उन्दे राह दा ही रोड़ा बन जाए वह भी तो रोड़ा है किसी के राह विच रुकावट पानी उन्दे ठेडे वजन नाल उन्दा पैर जख्मी हो गया वह अगे तुर नहीं सकिया वह भी तो रुकावट ठेडे ने ही पैदा की कहन लगे कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया अजय नहीं अजय मन अंदर तेरे हाँ रह जाएगी कि मैनू किसी ने ठेडा मारिया है मैं उन्दे राह दा रोड़ा बनना है अजय हाँ खड़ी है कहन लगे कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया पंथी को दुख दे पंथी कहने मुसाफर नू कहने लगे उन्हें मुसाफर नूं दुखी कर दिता क्योंकि जख्मी कर दिता पैर एक पासे मुसाफर दे ठेडा खादा दूजे पासे मुसाफर नूं जख्मी कर दिता गल बराबर हो गई बदला लै ले ओ मारो ओ सोधो बैर बराबर हो गई उम्मीद तां रोड़ा बन के भी ना हटी रोड़े ने एक पासे ठेडा खादा दूजे पासे जिन्हें ठेडा मारिया सी उन्हें जख्मी किया दुखी किया पंथी को दुख दे फिर जी की करूं ऐसा तेरा दास है फिर इस पंथ में किवें गुजरा ऐसा तेरा दास हो जो धरनी में खे कहन लगे रोड़ा नहीं होर अगे बात खे पीसी हुई मिट्टी मिट्टी बन जा वो तो बल्कि पैरों नू नरम सुभा दिंदी जे मिट्टी ते भुबल ते पैर रखो
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੌਫਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਉਸ ਭੁੱਬਲ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮ ਸਾਂ ਸੌਫਟ ਸਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਬਾਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰੋਂ ਸਫੈਦ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਬਦਲਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਉੱਡ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੋ ਉੱਡ ਲਾਗੇ ਅੰਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਖੇਹ 'ਤੇ ਖੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖੇਹ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਖੇਹ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਪਾਣੀ ਖੇਹ ਵੀ ਧੋਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਧੋਂਦਾ, ਮੈਲ ਵੀ ਧੋਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗੂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿਓ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਛ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਇੱਕੋ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਭਰਮ ਭੰਗਾ, ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਉੱਥੇ ਇਉਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਰੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਬਹਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਬਹਾਇਆ, ਸੀਰਾ ਤਤਾ ਹੋਏ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ठंडे नाल ठंडा हो गया, तत्ते नाल तत्ता हो गया, फिर एक रास्ता ना रहा। अग ने थल्यो सेक लाया, सहार न सके, तत्ता हो गया। दुख आया, गुरु ने बाणी विच क्यों किया? कहन लगे अभिमान ता ना मिटिया, जब कछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। रब वाली ताई बिलती ना हुई। गुरु साहब ने रब दी बिरती अतो तैनु मैं बनाना की चाहना। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का एक शब्द है, कहन लगे उत्थे दुख कोई नहीं, सुख दुख रहते सदा निर्लिपी जाको कैत गुसाई। जिन्हों मैं रब बनना ना, वो सुख दुख रहता है, दुख ना ही सब सुख ही है रे। एक है एक ही नेते, बुरा ना ही सब भला ही है रे। हार नहीं सब जेते। अगले पासे कहन लगे मैं की देखना के उत्थे ना कोई सोग है, सोग ना ही सदा हरख ही है रे। हर पासे खुशी खुशी है, कदे भी नाराज नहीं हुंदा। जे उन्दी कोई उपासना उन्दे कोलों लैके भी उन्दी उपासना ना करे, आखे मैं रब नू नहीं मनदा, वो कहंदा चलो कोई हज़री, मैं केड़ा मनन वास्ते तेनू दित्ता सी। नाराज नहीं, सोग नहीं, सदा हर की है। कहो नानक हार हार सब हार है। जेड़ा इथों तक पहुंचदा है वो रब तक पहुंचदा है। उत्थे गुरु अर्जन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आख्या जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सने अर पहने ही जंक है, कंचन माटी माने ने निंदिया ने उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना हरक सोग ते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। अगली लाइन पढ़ो, आसा मनसा सगल ते आगे, जागते रहे निराशा, काम क्रोध जय पर सह नाहिन तें घट। उन्दे अंदर रब प्रगट होता है, तें घट ब्रह्म निवास। कहन लगे जिस दे कोलों विछड़े हैं उन्दे तक पहुंचन लई ए अवस्था बनानी जरूरी है, कि सुख दुख रह सदा निर्लेपी जाको कैत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर। वो तो तेरे अंदर है। किस तरह नानक दर्पण न्याय, जिवें शीशे विच परछावां है, दर्पण कहते हैं शीशे नू, शीशे च परछावां है ना, पर वो परछावें दी अपनी कोई होंद वक्री है। शीशा शीशे विच बैठा हुआ परछावां अपनी होंद नहीं कायम करदा, असीं वेखने हां कोई है। शीशे विच असीं चेहरा वेखीए, कोई होर भी उस शीशे नू वेखे साडे कोल खलोता, वो आखेगा कोई अंदर है। पर जेड़ा शीशे विच दिस रहा है उन्दी कोई अपनी होंद है? कोई नहीं, दिस जरूर रहा है जरूर, पर कुछ नहीं। कह लगे मैं सिख दी मनुख दी भगत जन दी ओ अवस्था चाहना, जिन्हों दुनिया देखे पर कुछ नहीं। बाबा रामदास जी ने यो गल आखी, तू जानत मैं किस नहीं पव खंडन राम, तू जानना है कि मैं कुछ नहीं, मैं तो दर्पण विच एक छाया हाँ, दर्पण में शीशे विच एक परछावां हाँ, जिहड़ी तेरे नाल है, तेरे तो वक्ख हो के परछावां खत्म हो जाएगा। मेरी होंद तेरा परछावां बन के। कहन लगे जदों ए अवस्था बन जाएगी
फिर वो भगत रब विच अभेद मन्या जाएगा। बाबा कबीर जी ने चौथी इस पौड़ी चौथे श्लोक में जाके फैसला दिता ते कहन लगे मैं उन्हूं भगत आखना जेड़ा रब दा परछावा बन जाए, उन्दे वर्गा ही हो जाए। परछावें दा की काम है, जो चीज सामने होवे वो उन्दे वर्गा है। ये थोड़ा है कि मेरी दस्तार होर होवे ते जड़ी परछावें में चावे वो होर होवे, वक्त नहीं ना हो सकती, उन्दे वर्गा ही हो जाता है। ते गुरु ने यो गल बाबा कबीर जी ने आखी कहन लगी कबीर पानी हुआ तो क्या भाया सीरा तत्ता हर जन ऐसा चाहिए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही जैसा हर ही हो तज मन का अभिमान तज मन का अभिमान तज मन का दर्पण न्याय दर्पण विच शीशे विच परछावे वांगू उनका रूप हो जाए, उनका सुभाव उनके विच आ जाए। दर्पण विच जिहड़ी छाया हुंदी है वो कुछ भी वखरा नहीं कर सकती, जो कुछ वो सामने बैठा कर रहा है वह ही दर्पण विच दिस रहा है। ज्यो ज्यो कपड़े पा लैंदा है वह जो कपड़े पा लैंदा है, ज्यो जी शकल बना लैंदा सामने बैठा वह ही दर्पण विच शीशे विच शकल आ जाती है। जो गल वो मूँह करता है वह ही गल शीशे विच बैठी हुई छाया करती, वह वक्रा कुछ भी नहीं रहिंदा। नानक सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याय शीशे विच परछावां। ते गुरु कहिंदे ने भलिया रब नाल अभेदता इउं है जदों जिस दिन तू रब दा परछावां बन जाए, जो कुछ वह करता है जो उन्हूं परवान है उही मैं करना है। इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चुका, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।